धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, इनकी सोच व सच्चाई इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। आप सभी का इस स्पेशल लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। टॉपिक हमारा आज का बेहद खास है और बेहद ज़रूरी है और बहुत चौंकाने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अचानक से चलने लगी हैं, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ठगी, लूट और साथ संगत से बहुत बड़े पैमाने पे पैसे की लूट की तैयारी कर ली गई है, और ये सब कुछ हनीप्रीत के आदेश पे हो रहा है जैसा कि जानकारी मिल रही है। तो इस तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा शाही परिवार का अचानक से इस तरह से डेरे से जाने का क्या वजह है और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। शाही परिवार की और हनीप्रीत की आपसी खींचतान का शिकार हजूर पिताजी को बनना पड़ रहा है, और हजूर ये दोनों अपनी आपसी लड़ाई में अपनी अपनी जिद पूरी करने के लिए हजूर पिताजी को दोषी बना रहे हैं, हजूर पिताजी को तंग कर रहे हैं। दोनों ही, हनीप्रीत भी और परिवार भी, दोनों अपनी जिदें मनवाने के लिए शायद मतलब हजूर पिताजी को परेशान कर रहे हैं। जो 25 अगस्त के बाद हनीप्रीत के खिलाफ कैंपेन चला, ये सब सारा कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। और ये सब ड्रामा क्या है, चिट्ठियों का ड्रामा क्या है, कुछ चीज़ें नई जानकारियां सामने आई हैं, वो सब आपके सामने हम रखेंगे आज के स्लाइड डिस्कशन में। तो शुरुआत करते हैं इस मसले की भी, आखिर ये है क्या। शाही परिवार और हनीप्रीत के बीच में जो लड़ाई है, वो लड़ाई किस चीज़ की है। असल में क्या है, 1999 सन 2000 के आसपास, मान लीजिए 99 सन 2000 के आसपास, डेरा में पहली फैक्ट्री, ये बिस्किट फैक्ट्री कह लीजिए या जो मसाला फैक्ट्री है, जो बिस्किट बनते हैं फादर के बिस्कुट टाइप, इस तरह की फैक्ट्री थी। तो इस तरह की पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी, बनी थी डेरे में। तो उसके बाद नाम चर्चा में वो बिस्कुट चलने लगे, ग्लूकोज बिस्किट, कोकोनट बिस्किट, ये सब। उस टाइम वो काफ़ी सस्ते रेट पे थे, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उस वो फैक्ट्री भाई जसमीत जी और उन्होंने बनाई थी उस समय, जैसा भी था। और उसके बाद एक एलोवेरा की फैक्ट्री बनी थी, एलोवेरा था प्लांट था उसका, जो बहुत सारा एलोवेरा डेरे में उगाया जाता, तो एलोवेरा जूस बनने लगा था डेरे में, तो उसकी फैक्ट्री बनी। उसके बाद एक पानी की फैक्ट्री बनी, मित्र नाम से एक पानी आया था, तो पानी की फैक्ट्री बनी थी। तो इस तरह से जो बिस्किट की फैक्ट्री थी या ये बिस्कुटों की, ये जसमीत भाई की थी। और जो आयुर्वेदिक फैक्ट्री थी एलोवेरा की, या जो और इस तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आए थे, वो फैक्ट्री डॉक्टर शानेमित जी बड़ी बहन चरणप्रीत के जी के परिवार की थी। और उसके बाद जो पानी की फैक्ट्री थी, मित्र पानी का जो आपको पानी मिलता था, वो फैक्ट्री उसकी थी, छोटे बहन जी की, बहन अमरप्रीत के परिवार की थी। तो ये फैक्ट्रियां डेरे में खुली थी, सन 2000 से शुरू हो गया था और उसके बाद ही चलता। सन 2000 तब तक हनीप्रीत उतना पावर में नहीं थी। और इससे क्या हुआ कि इससे बेहिसाब आमदनी हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल थी, संगत में नई फैक्ट्री खुली थी और बहुत बड़े लेवल पे थी। तो 5-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद भी लोग लखपति, लखपति से चंद सालों में ही करोड़पति हो गए, मतलब लोग जो जिन्होंने इसमें शेयर डाला हुआ था। और ये बहुत उस टाइम बहुत कम रेट पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी मिलती थी और साथ संगत में प्रसाद में सब कुछ चलता था। सन 2009-10 के आसपास जब हनीप्रीत पावर में आने लगी, तो उसमें जब 2007 में खासतौर पे 6-7 में जब राकेश दिड़वा एंड ये पूरा गैंग एक्टिव हुआ, और सन 2010 में ये सब पावर में आए, पावर में आने लगे, तो सबको उस फैक्ट्री की कमाई दिखती थी, ये कमाई हथियाने की रेस में दौड़ने लगे। और तब एक सीपी अरोड़ा नाम का प्राणी जो है वो भी एग्जिस्टेंस में आया, ये सब कुछ हुआ। और इस सब के बाद इन सबका एक गुट बन गया, राकेश दिड़वा, रिंकू है इसका भाई एक, रिंकू दिड़वा के नाम से, रिंकू नाम से जानते हैं, रिंकू हो गया, गुरलीन हो गया, ये दान सिंह हो गया, और ये चरणजीत चाचा, पी आर नैन, सी पी अरोड़ा, और भी एक आईटी विंग वाले भी थे 2-3, ये सब मिलके हनीप्रीत इन सब की मुखिया बनाई गई, उन्होंने हनीप्रीत को फेस बनाया। और उसके बाद ये सब
शुरू हुआ कि इस फैक्ट्रियों को हथियाया जाए। इन्होंने क्या किया, मान लीजिए फैक्ट्री को कोई बिस्किट 5 रुपए में पड़ता है, सारा खर्चा मिला के 5 रुपए में पैकेट पड़ता है, उसके बाद वो किसी डीलर के पास जाएगा 6 रुपए में, फिर वो होलसेलर के पास जाएगा 7-8 रुपए में, उसके बाद रिटेलर के पास आते आते आपके पास वो 10 रुपए में पैकेट पहुँच रहा है। तो मान लीजिए उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ, और कई बार क्या होता है कुछ प्रॉफिट जैसे डेरे से डायरेक्ट सामान बिक जाता है, तो 5 रुपये का सामान सीधा 9 रुपये में 10 रुपये में बिकता है, तो वो प्रॉफिट फैक्ट्री को जैसे कह लो या शाही परिवार को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, या डायरेक्ट कुछ सामान बिक जाता है, इकट्ठा लॉट बिक जाता है कहीं जगहों पर जहाँ पर डीलर नहीं होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही थी, इनकी कमाई हो रही थी, उसके बाद अच्छे खासे बंगले बन गए इन सबके, अच्छे खासे घर बन गए, सब कुछ हो गया। 2012-13-14 जैसे भी नज़दीक आया ख़ास तौर पे, जब तब ये सारी चीज़ें क्या है, उसके बाद ये सारी चीज़ें बढ़ती बढ़ती क्या, इन्होंने क्या किया, हनीप्रीत की पावर में, हनीप्रीत का परिवार जो था वो लोअर मिडिल क्लास था, मतलब एक साइकिल सिंपल मारुति गाड़ी जितनी हैसियत थी इनकी, लोअर मिडिल क्लास था। इसका भाई चेन स्मोकर था और माँ बाप का धंधा मैंने आपको पहले बताया ही है, तो ये सब इनके परिवार की खासियत थी। उसके बाद उस टाइम 2010 के बाद विश्वास गुप्ता से इसका तलाक हुआ, फिर इसने बड़ी बहन के घर रहना शुरू किया, बहन चरणप्रीत के यहाँ, और वो चलो हम बाद में बताएंगे, पहले बिजनेस की बात पूरी समझाते हैं। बिजनेस क्या था, उसके बाद क्या हुआ, 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट इन्होंने क्या किया, एक ब्रांड बना लिया, MSG ब्रांड। MSG ब्रांड में क्या था, अभी सारी फैक्ट्रियाँ, मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, उसके बाद मेरे 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिर आगे होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, तो मेरा अपना एक सोसाइटी में सर्कल भी है, कह लो जो मेरा बिजनेस सर्कल भी है, कॉन्टैक्ट्स भी हैं। तो ऐसे करते करते सन 2000 से शुरू होकर 2010 तक सात संगत में अच्छे खासे शाही परिवार के कॉन्टैक्ट्स थे, सब कुछ था। और उसके बाद बहन चरणप्रीत और डॉक्टर शानेमित को पिताजी ने अपना PA बनाया था 2008-9-10 के आसपास। उसके बाद भाई जसमीत जी को स्पोर्ट्स सेक्शन का इंचार्ज बनाया डेरे में, और छोटी बहन के परिवार को एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया था, या शायद कैंटीने भी दी थी। तो इस तरह से हुआ। उसके बाद चरणप्रीत बहन की मर्जी से उनकी क्लासमेट्स थी विपासना चावला और ये शोभा गोरा वगैरह, तो जो बहनों की मैनेजमेंट 2010 में आई ये चरणप्रीत बहन ने ही एंडोर्स की थी, मतलब प्रमोट की थी, और ये मैनेजमेंट 2010 में बनी। करते करते जब ये सारी पावर राकेश औरों के हाथ से छिनने लगी, तो इन्होंने हनीप्रीत को प्रोजेक्ट करके सारा सेटअप बनाया और एक नया बिजनेस प्रपोजल बनाया, भी डेरे का एक ब्रांड हो जाना चाहिए, MSG ब्रांड। और उस ब्रांड के नीचे क्या हुआ कि जैसे 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट आया मार्केट में, कहीं 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का बिक रहा है, वही पैकेट एक कंडीशन लगा दी भी अब ये पैकेट 5 रुपये से 5.5 रुपये में जो भाई जसमीत जी की कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ MSG कंपनी को बेचेगी, और MSG कंपनी इस पे अपना लेबल लगा के ब्रांड का इसे 10 रुपये में बेचे, 11 रुपये में बेचे, 12 रुपये में बेचे। हुआ क्या कि उसमें क्वांटिटी 10 रुपये के पैकेट में पहले तो बिस्किट की क्वांटिटी कम कर दी, फिर उसकी क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ हो गई, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो MSG कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करने लगी, जो इनकी कंपनियों से इनकी फैक्ट्रियों से सामान लेना बंद कर दिया। नतीजा क्या हुआ, अब मान लीजिए जसमीत भाई को 1 महीने का सामान उन्होंने MSG कंपनी को बेचा, सिर्फ MSG कंपनी को, और वो अपना सामान कहीं नहीं बेच सकते थे, MSG कंपनी को बेच दिया। और उसके बाद अगले महीने उनको पेमेंट चाहिए, कच्चा माल खरीदना है, तो वो पेमेंट के लिए उनको हनीप्रीत के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, क्योंकि हनीप्रीत और उसका जितना ये गुर्गा गैंग था, सारा गुंडा गैंग, इन सब ने MSG कंपनी में अपनी हिस्सेदारी डाल ली, और इनके हिसाब से ये MSG कंपनी चलने लगी। इसमें क्वालिटी भी घट गई और क्वांटिटी भी घट गई, मतलब 5 रुपये का बिस्किट 4 या 3.5 रुपये में का ही पड़ने लगा, और वो 3.5 रुपये से 4 रुपये में जसमीत भाई से खरीद के 10 की जगह 15 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। तो ये जो मोटा प्रॉफिट था ये चलने लगा सिर्फ हनीप्रीत के गैंग के खाते में, और वो फिर करोड़पति बनते चले गए सभी के सभी, और उसमें हनीप्रीत के परिवार का अच्छा खासा शेयर था फैक्ट्री में, सब कुछ था। फिर CP अरोड़ा था जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, जो सारा पैसा 2 नंबर का 1 नंबर का पैसा हवाले से घुमाता। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी शेल कंपनीज खड़ी कर ली अपनी, शेल कंपनीज में पैसा घुमा के हवाले से करके 2 नंबर 1 नंबर में, जिस तरह ब्लैक में सेल करके सब कुछ करके इस तरह से पैसा जोड़ना शुरू कर दिया, और शेल कंपनीज में घुमाना शुरू कर दिया। उसमें डॉक्टर आदित्य अरोड़ा भी इनके साथ काफ़ी हद तक रहा।
अब शाही परिवार की और पिताजी की खींचतान यहाँ पे शुरू हुई इस बात पे कि भैया हम अपने घर में, अपनी फैक्ट्री थी हमारी, हमारा अपना वर्चस्व था, हम अपने घर में नौकर हो गए और अब हमें पैसा मांगना पड़ेगा हनीप्रीत से भी 1 महीने बाद, भैया हमारा पैसा दे दो। अब सीपी अरोड़ा हुआ, चाहे वो राकेश जड़वा हुआ, चाहे वो हनीप्रीत हुई, चाहे उसका वो नचेड़ी परिवार हुआ, उसका नचेड़ी भाई हुआ, और जो भी थे ये सब, इन सब के सामने शाही परिवार बौना हो गया एक तरह से। मतलब इनको अपना खर्चा पानी चाहिए, अपनी फैक्ट्री का खर्चा चाहिए, तो इनको एमएजी कंपनी के मालिकों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो उस ट्रेंड पे ये शाही परिवार और हनीप्रीत में खींचतान शुरू हुई। अब शाही परिवार को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी कि भैया बहुत पैसा कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, ठीक है सस्टेबल रहो। एक्चुअल में जो हमारे समझ में आता है, एक जेलसी फैक्टर था। जेलसी फैक्टर क्या कि हम तो रुपया कमा रहे हैं 50 पैसे एक पैकेट पे, और उसके बाद हनीप्रीत कमा रही है 11 रुपये उसी पैकेट पे, हमें तो वो 4 रुपये में पड़ रहा है, हम 50 पैसे कमा रहे हैं वो 11। ये जो जेलसी है, ये जो चीज़ हमने परिवार के साथ जितना टाइम बिताया है वो देखी है। तो ये अब इस चीज़ को समझना शुरू करो। इस जेलसी में शाही परिवार को ये लगता है भी पिताजी ने हनीप्रीत को पावर दे रखी है, बैक दे रखी है, और इसलिए हमें शाही परिवार को हजूर पिताजी नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इसी चीज़ का फायदा उठा रहा है कौन, इसी चीज़ का फायदा उठा रहा है हनीप्रीत गैंग। ये चीज़ अब आपको समझनी है, ऐसे चल रही है इस खींचतान में। फिर अगला सवाल ये कि शाही परिवार के दिमाग में ये बात बैठती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि उनके सलाहकार भी तो उन्हीं के गुर्गे हैं ना। अब मान लो चरणजीत चाचा या सरवारा फैमिली है, जो ये है तो हनीप्रीत, क्योंकि पैसा तो हनीप्रीत गैंग ने देना है, दिमाग खराब करते हैं ये परिवार का। अब फिर ये समझना है आपको, सवाल मन में आना चाहिए भी हनीप्रीत औरों का साथ पिताजी क्यों दे रहे हैं, परिवार का क्यों नहीं दे रहे। तो उससे पहले आपको एक चुटकुला सुनाते हैं, चुटकुले से पहले एक और चीज़ सुनाते हैं कि हाँ, एक किसी ने कमेंट भी लिखा है कि परिवार ने जब ये खींचतान शुरू हुई तो 2-3 बार ऐसी कंडीशंस आई जब जसमीत भाई ने घर छोड़ने की बात की पिताजी के सामने भी, हम घर छोड़ के जाएंगे, मैं हम सिरसा में नहीं रहेंगे, हम डेरा छोड़ के चले जाएंगे, ये बहुत बार हुआ, 2-3 बार, और कई बार पिताजी ने घर जाके मनाया भी, डांट के प्यार के जैसे भी मनाया, और ये कन्फर्म्ड बात है, ये मुझे भी जानकारी, पुख्ता जानकारी है इस चीज़ की। तो क्योंकि कुछ हद तक मैं भी बीच में कहीं ना कहीं मेरा रोल आया था इसमें। अब आपको समझ में आए हमें कैसे ये सारा मसला समझ में आ रहा है, आपको ये लगे ना भी हम कैसे इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले एक चुटकुला सुनाते हैं, सीरियस सा चुटकुला, ज़्यादा उतना वैसा नहीं है। कहते हैं भी एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसरों को एक हवाई जहाज में बिठा दिया, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसके जितने भी टीचर प्रोफेसर थे सबको हवाई जहाज में बिठा दिया, और बिठाने के बाद जब कैप्टन आया, कैप्टन जो पायलट होता है, पायलट ने अनाउंसमेंट की कि भैया ये जहाज़ तुम्हारे स्टूडेंट्स का बनाया हुआ है, मैं तुम्हारे जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बनाया है ये जहाज़। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट की, सारे टीचर उतर के जहाज़ से नीचे भाग गए, मैं हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया, क्या पता क्रैश ही हो जाए, तो डर के सारे नीचे उतर के भाग गए। प्रिंसिपल नहीं उतरा, जो कॉलेज का प्रिंसिपल था वो नहीं उतरा। अब पायलट ने जाके प्रिंसिपल से पूछा, तेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने बच्चों पे कि भैया बैठे तो को डर नहीं लग रहा है? और बोला, मुझे अपने बच्चों पे पूरा कॉन्फिडेंस है, ये जहाज़ स्टार्ट ही नहीं होगा, जब स्टार्ट ही नहीं होगा तो उड़ेगा ही नहीं, तो क्रैश कैसे करेगा। तो यही मसला कुछ हम यहाँ देखते हैं। दरअसल हमारी यहाँ परवरिश बचपन से ही हुई है, हम सबके तौर तरीके हम जानते हैं, पिताजी के तौर तरीकों को कैसे ये इस्तेमाल करते हैं, पिताजी के असूलों का कैसे ये मिसयूज़ करते हैं। कभी आपने वो मूवी देखी होगी शेर दिल वाली, उसमें पिताजी अक्सर एक बात बोलते हैं शेर हिंद वाली, भी जो मेरी ताकत है वही मेरे खिलाफ हथियार बन गया। मतलब आपने देखा होगा एक लायन हार्ट की मूवी में लास्ट में सीन आता है कि मेरी ताकत मेरे खिलाफ हथियार बन गया, भी मेरी ताकत ही मेरा दुश्मन हो गई। तो ये चीज़ उसमें आई, ऐसा ही कुछ है कि जो पिताजी के असूल हैं, इस असूल को शाही परिवार नहीं समझता है, इस असूल को हनीप्रीत गैंग समझता है, इसलिए उस असूल का मिसयूज़ करना जानता है बहुत अच्छे से। असूल क्या है वो आप समझने की कोशिश की। 23 सितंबर 1990 में हजूर पिताजी ने अपना घर छोड़ दिया, त्याग दिया, और त्यागने के बाद हजूर पिताजी ने अपने आप को सात संगत को समर्पित कर दिया।
अब जब सात संगत को हजूर पिताजी ने समर्पित कर दिया खुद को, तो सबसे पहली प्रायोरिटी पिताजी की सात संगत है, सबसे पहली प्रायोरिटी। हनीप्रीत गैंग, ये राकेश जुड़वा गैंग जो रिंकू है इसका भाई खास तौर पे, वो भी पैसों का बड़ा हेर फेर करता है। ये जो दो भाई हैं और ये इन दोनों भाइयों का और हनीप्रीत का तिगड़ी ट्रायंगल है, उसके बाद बाकी सारे इनके छोटे मुर्गे हैं, छोटे कलाकार हैं, ये तीन ही मेन हैं। और अब ये कैसे काम करते हैं, मान लो पिताजी के सामने शाही परिवार ने कहा जी देखो हनीप्रीत को आपने हमारा बिजनेस संभलवा दिया। हनीप्रीत गैंग ने क्या किया, पिताजी के सामने संगत का एजेंडा रख देते हैं, वो कभी भी बात अपनी नहीं रखते हैं, वो उस एजेंडा को संगत का एजेंडा बना के रखते हैं भी सात संगत का ये एजेंडा है जी, और इस एजेंडे पे क्या करेंगे, जगजीत जैसे चापलूस हैं जो माइक पे फिर अनाउंसमेंट करेंगे, और उस एजेंडे के बेस पे ये काम करते हैं, संगत का एजेंडा बनाते हैं। तो पिताजी अपने असूल के मुताबिक सात संगत की प्रायोरिटी लेंगे, तो हर चीज़ ये सात संगत से कहलवाते हैं, जिससे क्या है कि जब सात संगत से कहलवाएंगे तो पिताजी शाही परिवार की सुनेंगे नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि परिवार कभी सात संगत के हित की बात करता ही नहीं। मान लो उन्होंने कहा पिताजी हम एक ब्रांड बना देते हैं, ब्रांड में हमारे स्टोर खुल जाएंगे, सारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा एक जगह, और वो सात संगत में स्टोर खुल जाएंगे, हम 1,000 रुपये की जगह 1,000 रुपये में 1,100 रुपये का सामान देंगे, ये डिस्काउंट देंगे, इतने बेनिफिट्स, क्योंकि ब्रांडिंग जब होती है कम्बाइंड तो वो सेल भी ज़्यादा होती है, सात संगत खरीद को सस्ता भी ज़्यादा पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती है। वो अलग बात है इन्होंने मिलावट करके उसमें खुला पैसा कमाया, लेकिन जो प्रपोजल प्रोजेक्ट किया वो उसी तरह ही प्रोजेक्ट किया। अब पिताजी का असूल है भी सात संगत के हित में फैसला लेना, तो सात संगत के हित का जब प्रपोजल आएगा तो पिताजी उसी को सुनेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी परिवार को ये जेलसी है भी हमारा बिजनेस छीन के हनीप्रीत को दे दिया, उनको ये समझ में नहीं आया भी ये बिजनेस है तो सात संगत के दम पे, जब तक सात संगत के हित की बात नहीं करोगे तो पिताजी कहाँ से सुनेंगे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना हित साध के चले वो, और उनको उनको हालांकि पता था भी हनीप्रीत गलत कर रही है, सब कुछ पता है, दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी वो संगत के हित की बात नहीं करते। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी हनीप्रीत और पिताजी आमने मतलब हनीप्रीत और शाही परिवार एक साथ नहीं जाते हैं कभी भी, वो कहेंगे जी हमारी प्राइवेसी, हमारे पिताजी, हम अलग मिलेंगे। हनीप्रीत क्या है, वो संगत के बिहाफ पे ग्राउंड बना के अलग मिलेगी। तो ये सब ट्रैक चलता है। अब इस ट्रैक की लड़ाई ऐसा नहीं है भी जेल पिताजी के जेल जाने के बाद ख़त्म हो गई, ये लड़ाई अभी भी जारी है, और अभी इस तरह से जारी है भी अब क्या है, धीरे धीरे शाही परिवार के ब्रांड को, जो सामान को MSG ब्रांड से बाहर निकाल दिया है, जैसे एलोवेरा जूस है वो बाहर निकल गया है। अब बहुत सारी जो उनकी फैक्ट्रियों से सामान खरीदना MSG कंपनी ने कम कर दिया या बंद कर दिया कह लीजिए, तो कुछ हद तक कोई कोई प्रोडक्ट उनका बंद कर दिया। नतीजा क्या, उन्होंने आउटसोर्स कर लिया, मतलब जो अब आप MSG बिस्कुट्स खा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो MSG बिस्कुट बाईजस स्मिथ की फैक्ट्री में बने हों, हो सकता है वो आउटसोर्स भी हो रहे हों, और बहुत सारी शेल कंपनीज के जरिए ये सारा काम चल रहा है। तो बहुत सारा सामान जो शाही परिवार की फैक्ट्रियां बनाती थी वो उसमें से बहुत सा सामान अब MSG कंपनी आउटसोर्स करने लगी है। नतीजा ये है कि अब उनका बिजनेस यहाँ पे ना के बराबर होता चला जा रहा है। अब इस चीज़ की बात वो पिताजी के जेल जाने के बाद भी पिताजी के सामने रखते रहे हैं, और कुछ हद तक घूम फिर के बातें हमारे तक भी आई हैं। उसका क्या कि अब ये जब रखते हैं, पिताजी तो जेल में, पिताजी कौन सा जेल से बाहर आके कुछ करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि हनीप्रीत और परिवार एक साथ कभी पिताजी के पास नहीं जाते हैं, परिवार अपना अलग मिलने जाता है, हनीप्रीत अलग मिलने जाती है। अब हनीप्रीत गैंग की खासियत क्या है वो आपको बताएंगे भी कहाँ शाही परिवार मार खाता है और क्यों। अब ये सारी समस्या चल रही है, अब शाही परिवार मार कहाँ खाता है, क्या है कि ये झूठ बोलने में बहुत माहिर है। उदाहरण के तौर पे बताते हैं, सन 2009-10 में, मतलब हाँ 9-10 के आसपास, भाई चरणप्रीत और भाई शानवीर जी को पिताजी का PA बनाया गया। तो क्या हुआ, उसके बाद बहन चरणप्रीत को PA की पोस्ट से हटाने की कवायद तेज हो गई। तो नतीजा क्या हुआ, कुछ गाड़ियां थी, एक दो गाड़ियां जो बहन चरणप्रीत के नाम पे थी। एक दिन आपको किस्सा सुनाते हैं, एक बार वो गाड़ियां जा रही थी साउथ में, काफिला रोड से जाता था, पिताजी फ्लाइट से चले जाते थे, तो कुछ काफिला रोड से एडवांस जो सिक्योरिटी की गाड़ियां वो जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या हुआ, उस ड्राइवर ने जानबूझ के सामने वाले गाड़ी में अपनी गाड़ी ठोक दी। ठोकने के बाद गलती उस ड्राइवर की थी जो डेरे का ड्राइवर था, लेकिन सामने वाले को ठोक दी। अब क्या है कि काफिला VIP है, ठोकने के बाद वहाँ पे शोर मच गया। शोर मचने के बाद
जो डेरे का ड्राइवर था उसने शोर मचाया भी मैं इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अब जो दूसरे सेवादार साथ में थे उन्होंने कहा भी गलती तेरी है, तूने गाड़ी मारी है, वो तो माफी मांग रहा है, तू मुकदमा क्यों दर्ज कराएगा। तो वहां पे सेवादारों की आपस में लड़ाई छिड़ गई कि भैया हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, और आधे सेवादार बोलते भी मुकदमा दर्ज क्यों कराएंगे, गलती हमारी है, हमारी गाड़ी लगी है, उसकी कोई गलती नहीं है। बाद में पता चला कि वो गाड़ी बहन चरणप्रीत के नाम पे थी, और ये मुकदमा इसलिए दर्ज कराना जरूरी था, बेंगलोर साइड की शायद घटना है, भी बहन चरणप्रीत को यहाँ पे आके पेशी भुगतनी पड़े उस मुकदमे में। तो ये जो ट्रैक चला वहाँ पे कुछ एक सेवादार इस बात को भांप गया, जब उसने कहा उसको पता चल गई ये बात, तो उसने उसके बाद वो मुकदमा दर्ज होने नहीं दिया। मसला क्या है कि जैसे भी हजूर पिता जब ये सॉरी जब ये बहन चरणप्रीत और शानवी जी पीए बने तो ऐसी चीज़ों को टारगेट किया था भी किसी तरह इनके नाम पे मुकदमे डले। इसी तरह हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर शानवी थे, तो क्या होता था आमतौर पे हॉस्पिटल में जैसे कोई एक्सीडेंट केस आता है और बाद में वो केस कोर्ट में चल रहा होता है, मान लो किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दिया, बाइक ठोक दी, उसके चोट लग गई, चोट लगने के बाद उसका मेडिकल का बिल बना या उसको कितनी चोट मारी या कोई आपसी लड़ाई हो गई उसमें एमएलआर कटती है, बाद में क्या होता है कोर्ट में जब वो केस चलता है तो अस्पताल की गवाही होती है, अस्पताल की जब गवाही होगी तो उसमें अस्पताल को फाइल लेके पेश होना होता है कोर्ट में भी हमारे यहाँ ने ये इलाज किया है और ये चीज़ इसमें थी। अब क्या है कि हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर शानेमीत का नाम लिखना शुरू कर दिया, ये जो भी सम्मान आएगा डॉक्टर शानेमीत के नाम आएगा, वो हमारे को परेशान ना करे, कोर्टों में जाएं। मसला यह था कि कोई भी डिपार्टमेंट डेरे का ये नहीं चाहता था अभी शाही परिवार उनके ऊपर जिम्मेवार बन के बैठे, और ये सारा पैटर्न जो चल रहा था वो पीछे से राकेश दिड़बा रिंकू दिड़बा गैंग चला रहा था, और धीरे धीरे उनको फेस मिल गया हनीप्रीत। 2010 तक उनको फेस नहीं मिला, 11-12 में उन्होंने हनीप्रीत को फेस बनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे शाही परिवार से सारा काम वापस ले लिया गया, उनको इतना परेशान किया गया क्योंकि वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड थे और इतने इजीली वो पब्लिक में घूम नहीं सकते थे क्योंकि संगत थोड़ी ज़्यादा होती है, वो घेर लेती है बात करने के लिए देखने के लिए, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस करते करते उनसे सारा काम वापस ले लिया गया। अब मसला क्या था, वो अपने बिजनेस तक अपने काम तक सीमित रह गए। अब 2013 में क्या हुआ, 2013 में आपको बताओ 23 सितंबर 2013 को मैनेजमेंट ने एक ड्रामा खेला, वो ड्रामा क्या खेला, वो ड्रामा खेला भी सास संगत की तरफ से मैनेजमेंट पिताजी को ट्रॉफी देगी, पिताजी कौन सी रेस में दौड़ रहे थे जो जीत गए और बाकी हार गए, पिताजी तो एक ही हैं और वो वैसे ही हैं, तो पिताजी को ट्रॉफी देंगे जी हम। अब ये नौटंकी की और उसकी तस्वीरें वही आपको दिखाएंगे, 23 सितंबर 2013 की बात है, जब चलो ये नौटंकी हुई और वहाँ पे चलो पिताजी ने तो सास संगत की तरफ से सम्मान था, स्टेज पे वो ट्रॉफी स्वीकार की और एक मेडल भी देंगे जी, पिताजी को गोल्ड मेडल देंगे और ट्रॉफी देंगे, ये सारी नौटंकी एडम ब्लॉक ने की, इसमें पिताजी का कोई वो नहीं था। चलो ये सब कुछ हुआ उन्हीं दिनों, क्या रूबरू नाइट में आपको ध्यानों मोमबत्तियाँ जगवाई गई थी, कुछ ऐसे चीज़ें हुई थी उसमें कहा गया अभी हनीप्रीत का ये सुझाव है, और उसके बाद जब हनीप्रीत का ये सुझाव के तौर पे चीज़ें आई तो क्या हुआ कि सास संगत की तरफ से हनीप्रीत को भी एक ट्रॉफी दिलाई गई रूबरू नाइट में। अब 2000 सितंबर 2013 में उसके कुछ दिनों बाद, ये दोनों चीज़ें एक साथ ही हुई थी, उसके कुछ दिनों बाद तेरावास में एक पार्टी रखी गई, और जब पार्टी रखी गई तो उस पार्टी में वो पार्टी रखी गई थी कि हनीप्रीत को सास संगत ने, क्योंकि पिताजी के परिवार में कुछ होता है ऐसे कोई खुशी होती थी तो पिताजी का परिवार के सदस्य पार्टी मतलब ब्रह्मचारियों को खाना खिलाते थे, ये मतलब ब्रह्मचारियों और सेवादारों को खाना खिला देना ऐसे पार्टी कहते थे, तो इस तरह से तेरावास में पार्टी रखी गई भी, हनीप्रीत को सास संगत ने ट्रॉफी दी है, इस खुशी में सेवादारों को सत ब्रह्मचारियों को कुछ मीठा मिठाई वगैरह खाना खिला देंगे, उस तरह उस पार्टी में मैं भी शामिल था। अब क्या हुआ कि उस पार्टी में जब पवन खान पढ़ के बताता है भी क्यों खिलाया जा रहा है ये प्रसाद जो है, ये खाना जो है किसकी तरफ से खिलाया जा रहा है, उसने माइक पे ये बात बोली पवन खान जी ने जो पिताजी के साथ पार्टी बन के बैठते रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये पार्टी पिताजी को ट्रॉफी मिलने की खुशी में दी जा रही है। जैसी ये बात बोली तो पिताजी गुस्सा हुए, पिताजी इतना गुस्सा हुए कहते भी ये तुम्हें ये किसने लिखवाया है कि पार्टी हमारी तरफ से दी जा रही है, ये पार्टी तो हनीप्रीत को ट्रॉफी मिली है उसके लिए दी जा रही है, यही हमने लिखवाया था भी, ये कागज बदला किसने, तो धीरे धीरे पता चला भी वो कागज राकेश दिड़बा ने बदल दिया,
और उसके बाद पिताजी ने राकेश चिड़वा को अपने पास बुलाया वहीं पे स्टेज, छोटी सी स्टेज पे पिताजी बैठे थे, करीब 200-300 लोग थे, लगभग 45 मेंबर थे, कुछ सेवा समिति के लोग थे और कुछ खास परिवार, और डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल के, तो उसमें मैं भी था और साथ में बहनें भी थी बहनों वाली तरफ। अब जब ये सब हुआ तो पिताजी ने राकेश दिड़बा को बुलाया और 2 मिनट बात की, हमें सुनाई नहीं थी नज़दीक, वो बिना माइक के बात हुई थी, नज़दीक खड़े थे। बातचीत करने के बाद राकेश दिड़बा जितनी वहाँ पे सेवादार बैठे थे उनके पीछे जाके खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो पिताजी ने अचानक से बीच में चिल्ला के बोला, मतलब लगा लीजिए तेरावास का ग्राउंड पूरा खाली था और 200-250 लोग कितने होते हैं तेरावास के ग्राउंड में, तो पिताजी वहाँ से चिल्ला के बोले बिना माइक के उसको पंजाबी में, तो मैं आपको पंजाबी में बताता हूँ ऐसा सच क्या बोला था। पिताजी बोलते तेनू सुनदा नहीं, तेनू पिछे का मतलब समझ नहीं आता, पिछे का मतलब वो सामने इंसा गेट है, वो तो बाहर हो जा, सानू दिसना नहीं चाहिए इतने। तो ये लैंग्वेज थी पिताजी की बहुत गुस्से में और बहुत गर्म स्वभाव में, इतना गुस्सा था कि वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। आप जो हाथ में पकौड़े खा रहे थे पकौड़े हाथ में रह गए, जो जूस पीता था जूस हाथ में रह गया, मतलब इतने स्लो खाना खा रहे थे भी, इसकी आवाज़ भी ना आए भी पिताजी पूरे गुस्से में पता नहीं क्या वचन कर देंगे। अब उस टाइम 2013 सितंबर या अक्टूबर में आखिरी में, सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में, राकेश दिड़बा को 2010 में जब 11 में शाही परिवार को महन चरमपितर को पीए की पोस्ट से हटाया गया तब राकेश दिड़बा को पीए बनाया गया था, लेकिन 2013 अक्टूबर में राकेश दिड़बा को पीए की पोस्ट से हटा के तेरावास से बाहर किया गया और मैं उस मीटिंग में शामिल था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इंटरेस्टिंग यह है कि पिताजी उस टाइम माहौल इतना गर्म हो गया और पिताजी वहाँ बोलने लगे भी कोई चुटकुले सुनाने वाला है, हालांकि चुटकुले सुनाने वाले बहुत सारे थे, मैंने कभी सुनाए नहीं थे, मुझे लगा भी अगर पिताजी 2-3 बार पूछेंगे तो मैं ही सुना दूंगा, मौका तो मिल ही गया। अब राकेश दिड़बा के तो सारे वहाँ गुलाम थे, राकेश दिड़बा को जूत पड़े हों और कोई खुशी मना ले ये तो किसी के बस की बात थी नहीं वहाँ पे, तो हमें पता नहीं था भी राकेश दिड़बा की क्या औकात है। हमें पिताजी ने बोला भी कोई सुनाएगा, हमने हाथ खड़ा किया जी मैं सुनाऊंगा, तो पिताजी ने हमारे से चुटकुले सुने, इसलिए मुझे वो मीटिंग बहुत अच्छे से सीन दर सीन याद है। अब मसला क्या है कि 2013 में तेरावास से बाहर निकालने के बाद MSG कंपनी के अंदर जाके राकेश दिड़बा प्लांट हो जाता है, मतलब वहाँ ड्यूटी लगती है इसकी, वहाँ ये सारा कांड शुरू होता है और धीरे धीरे शाही परिवार के बिजनेस को हथियाने के लिए वो काम करने लगता है। मसलन वो पिताजी से गुस्सा निकाल रहा है नफरत के तौर पे, और धीरे धीरे फिर जगजीत के जरिए 2015 में हनीप्रीत को तेरावास में रखवाया जाता है। अब हनीप्रीत क्या करती है, हनीप्रीत पिताजी के सामने प्रपोजल रखती है कि पिताजी राकेश दिड़बा को माफ़ कर दो, ये सच्ची खबर है, सच्ची बात है, बिल्कुल क्लियर, इसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास है। हनीप्रीत ने पिताजी के सामने रखा भी राकेश दिड़बा को माफ़ कर दो और इसे वापस अपने साथ रख लो, ये काम का बंदा है, सेवादार बढ़िया है। पिताजी ने हनीप्रीत को मना कर दिया कि भैया हमें इस बंदे की ज़रूरत नहीं है, तुझे रखना है तो रख ले, हमें इस बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हनीप्रीत की एंट्री तेरावास में करवाई जा चुकी थी और उसके बाद राकेश दिड़बा, उससे पहले ही होगा था शायद ये, तो पहले राकेश दिड़बा हनीप्रीत का पीए बना, उसके बाद उसने तेरावास में हनीप्रीत की एंट्री करवाई और फिर वो पिताजी का पीए ना बनके हनीप्रीत का पीए बनके तेरावास में उसकी एंट्री होती थी, क्योंकि हनीप्रीत तेरावास में रहने लगी थी, ये सारा कॉन्सेप्ट था। और उसी के बाद बरगाड़ी कांड प्लान हुआ और बरगाड़ी कांड हुआ, इसीलिए राकेश दिड़बा का जब मसला उठता है तो राकेश दिड़बा एक्चुअल में हनीप्रीत का पीए है ना कि पिताजी का, वो सितंबर अक्टूबर 2013 में ही पिताजी के पास से हटा दिया गया था और उसके बाद दर्शन प्रधान को लगाया गया और उसके बाद जब दर्शन प्रधान बीमार रहने लगे तो गुरलीन को लगाया गया, लेकिन राकेश दिड़बा को पिताजी का पीए 2013 के बाद नहीं लगाया गया, अक्टूबर 13 के बाद नहीं लगाया गया। अब ये बरगाड़ी कांड में सारे मिले हुए थे। मसला चलो वापस घूम के वहीं आते हैं, मसला फिर ये था कि परिवार और हनीप्रीत का जो व्यापारिक तनाव है ये सब चलता है। अब हनीप्रीत की बातें जो प्रोजेक्ट होती हैं वो सारी क्या है, अब हनीप्रीत की आपने सुना 25 अगस्त के बाद बहुत सारी मीडिया में कहानियां चली, उसका क्या मसला था, वो सारा चीज़ें सारी एक ही कड़ी जुड़ेगी आपस में। मसला ये कि हनीप्रीत का अपना एक सर्कल था, उस सर्कल में मान लो शोभा भी आती थी, एक नीतू बंसल नाम की लड़की भी आती थी, ऐसे कई हम उम्र लड़कियां आती थी ये सभी। अब जैसे आम तौर पे दुनिया में क्या होता है, कोई बड़ा VIP होता है, बड़ा पावरफुल आदमी होता है, या यूं कह लीजिए बड़ा हीरो है,
सपोज आप किसी का एग्जांपल ले लीजिए, सलमान खान का ले लो। सलमान खान की 10-15 लड़कियां फ़ैन है ना, या 5-7 लड़कियां फ़ैन है कह लेते हैं, और जो भी लेडीज़ हैं फ़ैन है, वो क्या है सबसे उसकी दोस्ती है, मान लो सबसे बातचीत है बराबर उसकी। लेकिन कोई ऐसा है जो उसके घर के नज़दीक रहता है या जिससे ज़्यादा मिलना जुलना है, तो वो लेडी क्या करती है, बाकी लेडीज़ को झूठी कहानियाँ सुनाती है। ये आमतौर पर महिलाओं में, ख़ासतौर पर जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें चलता है भाई। अगर आप किसी पावरफुल आदमी के संपर्क में नज़दीक हैं तो आप उन लोगों को अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं। जैसे इसी तरह की कहानियाँ हनीप्रीत ने भी सुनाई, कैसे भी पिताजी ने मेरे को ये गिफ्ट ला के दिया, पिताजी ने ये गिफ्ट ला के दिया, पिताजी ने मेरे को ऐसे कहा, पिताजी ने ऐसे कहा। और जब भी वो साथ संगत के सामने और पिताजी सामने बैठे होते तो उसने ऐसे लक्षण खिंडाने खिंडाने थे, जिस तरह के लक्षण उसके दिखते ही थे। मान लो क्या है, पिताजी सेवादारों की मीटिंग ले रहे हैं, उसने क्या करना है, एक चॉकलेट का पैकेट खोलना है, आधी चॉकलेट खुद खा जानी है, बाकी अल्मोनियम फॉयल में पैक करके एक सेवादार को बोलना है पिताजी को दे के आओ, और फिर बोलना है पिताजी ने दोपहर का खाना नहीं खाया इसलिए पिताजी को चॉकलेट भेजी है। तो भैया क्यों आधी चॉकलेट तोड़ के क्यों भेजी है, मतलब इस तरह की चीज़ें प्रिटेंड सामने दिखाई जाती कि हनीप्रीत को पिताजी स्पेशल अटेंशन देते हैं, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली था नहीं। इतना हनीप्रीत की बातों को महत्व पिताजी देते नहीं थे, लेकिन संगत के सामने उसके लक्षण ज़्यादा होते थे। हमने भी एक दो बार, मैंने भी देखा, जब पिताजी हॉस्पिटल के मूर्त पे आए तो पिताजी डॉक्टरों से बात कर रहे थे, तो वो क्या कर रही है, वो पिताजी के सामने पीछे से आई, अचानक से आके पिताजी की दाढ़ी में कोई कन फंस गया, उसको निकालने लग गई, और पिताजी ने उसको डांट दिया भाई पीछे हो जाए, क्या तरीका है भाई, हम डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, बीच में आके पिताजी के बाड़ों में से कन निकाल रही है। मतलब क्या है, इस तरह की चीज़ें दिखाना, अभी पता नहीं कितनी क्लोज हूँ मैं पिताजी के। और ये चीज़ें आम तौर पे अगर आप दुनियावी जो यंगस्टर्स हैं वो समझते हैं। यंगस्टर्स क्या है कि जब किसी लड़की का नया नया बॉयफ्रेंड बना ना, वो इस तरह की हरकतें करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इस तरह की हरकतें और उसी तरह के सवाल पूछना। पिताजी कहीं मेरे सामने एक दो बार तो पिताजी ने डांटा इसको, अभी दूर किया इस तरह की हरकतें करते हुए, बाकी और कितनी बार किया होगा मालूम नहीं, मेरे सामने तो एक दो बार मैंने देखा है। और बहुत सारी जितनी बार मेरी मुलाकात पिताजी से हुई है, जितना मेरा आमना सामना, जब भी तब मतलब ये काफ़ी पिताजी की रहमत रही भी, इसका साथ वहाँ नहीं दिखा मुझे, बहुत कम दिखा भी। अक्सर पिताजी जब मिलते थे तब ये वहाँ नहीं होती थी, तो इसी तरह चलता रहा। अब मसला क्या है, इनको झूठ बोलने की बड़ी आदत है। इधर से क्या है, शाही परिवार पिताजी पे जोर दे रहा है, पिताजी हनीप्रीत की आप सुन क्यों रहे हो भी, ये तो ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। हनीप्रीत को पिताजी ना तो पिताजी शाही परिवार को महत्व दे रहे हैं और ना ही पिताजी हनीप्रीत को महत्व दे रहे हैं। प्रॉब्लम यह है दोनों एक साथ नहीं जाते। शाही परिवार तो अपना विक्टिम कार्ड खेल रहा है, भैया हमारा बिजनेस छिन गया, हमारा सब कुछ छिन गया, अब हम कहाँ जाएँ, अब हम इससे बेटर हमारा जब यहाँ कुछ है ही नहीं, हमारे पिताजी सुनते ही नहीं, तो क्यों ना हम अपने घर चलें कहीं और चलें। और अब क्योंकि रईसी ठाट में रह लिया, अब गुरसर में खेतों में रहना तो बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना चंडीगढ़ जैसे शहर चले जाएं या कोई विदेश चले जाएं, इस तरह की चीज़ें हों। दूसरी तरफ हनीप्रीत क्या है, हनीप्रीत ने ज़बरदस्ती भी हमारे को, हनीप्रीत के साथ है एडम ब्लॉक, महत्व पिताजी हनीप्रीत को भी नहीं दे रहे, लेकिन उसने कहानी क्या बना रखी है, अभी पिताजी ने मेरे को ये बोला ये बोला ये बोला, और वो सारे मिलके जितने भी गैंग पूरी जुंडली मिलके शाही परिवार को कन्विंस कर रही है, वकील भी है सब भी, हनीप्रीत को ये ऑर्डर किया हमारे सामने, अब परिवार इसको यकीन मान रहा है भी हाँ ये ऑर्डर हुआ होगा। अब हम ठहरे उस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल टाइप बंदे, जिनको पता है भी सारा ड्रामा होता कहाँ से, इसलिए हमारे ये बात पल्ले अच्छे तरह पड़ती है भी ये नाटक चल कहाँ से रहा है। अब शाही परिवार जितनी जल्दी समझे उतना बढ़िया, ना समझे तो भी क्या है। अब क्या है कि एक तरफ ये पूरा गुट है, एक तरफ शाही परिवार अकेला खड़ा है। प्रॉब्लम क्या है भी, शाही परिवार को सास संगत के हित की बात करना नहीं आता, उनको सास संगत के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, वो कभी अपने बिजनेस के जरिए सास संगत का भला सोचते ही नहीं है। नतीजा ये है भी आज हनीप्रीत ने क्या किया, जो जो चीज़ें MSG ब्रांड से शाही परिवार की बाहर की, तो नाम चर्चाओं में मैसेज लगाने शुरू कर दिए कि भैया ये वाला सामान नाम चर्चाओं में नहीं बेचा जाएगा। हालांकि नाम चर्चाओं में सामान बेचना दोनों का ही गलत है, MSG कंपनी का सामान बेचना भी गलत है और शाही परिवार का भी बेचना गलत है, क्योंकि नाम चर्चा सिर्फ नाम की चर्चा है, लेकिन कमाना दोनों को ही है। अब जब बिक ही रहा है तो सारे ही बेच लो, उसमें बीच में अपना ब्रांड बना के अपना सामान भी बेच जाते हैं, बीच में कुछ लोग जो MSG ब्रांड का होता भी नहीं है। आपने देखा हो कि नोवर नो तेल पहले आया करता था पिताजी का फॉर्मूला, अब वो MSG कंपनी में बंद हो गया, ऐसे ही साथ साथ शैम्पू बंद हो गया, अब नए तरह के तेल आने लगे हैं और उनकी नई कंपोजिशन आ रही है, पिताजी वाले फॉर्मूले बंद हो गए हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये बिजनेस की रेस है, पैसा कमाने की रेस है,
और इस रेस में ना तो हनीप्रीत देरे के साथ है, संगत के साथ है, ना ही शाही परिवार है। इन दोनों को पैसा कमाना है, बस परिवार के हाथ से वो पैसा छूट रहा है और उनको लगता है इस सब के लिए हजूर पिताजी जिम्मेदार हैं। और हनीप्रीत उस पैसे को झूठ बोल बोल के हथिया रही है और इतनी अमीर दर अमीर होती चली जा रही है, जिससे उनको इस बात की जेलसी है, भैया हमारे हिस्से का पैसा इसकी जेब में क्यों जा रहा है, गुस्सा निकाला जा रहा है हजूर पिताजी पे। यही वजह थी कि 25 अगस्त के बाद जो हनीप्रीत और हजूर पिताजी की बातें बना बना मीडिया में निकली, उसका विरोध शाही परिवार ने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हनीप्रीत की बदनामी होने दो, उन्होंने ये नहीं देखा अब इसके साथ हजूर पिताजी की भी बदनामी हो रही है, हजूर पिताजी की निंदा हो रही है। और वो हजूर पिताजी सिर्फ उनके पिता नहीं हैं, वो एक सच्चे संत हैं, और संतों की निंदा का कारण उनका उनकी चुप्पी बढ़ती चली गई और ये उनके लिए एक तरह से कब्र खोदने का काम करता चला गया, अभी संतों की निंदा के कारण बनने चले गई। तो ये सारी चीज इस तरह से भी चली। और जो हनीप्रीत वो गिफ्टों वाली कहानियां सुनाया करती अपने सर्कल में, वही कहानियां बनके न्यूज चैनल पर निकली, उसी कहानियों को मॉडिफाई करके एक रूप दे दिया गया, जिस रूप में हजूर पिताजी का हनीप्रीत के साथ नाजायज रिश्ता तक दिखा दिया गया मीडिया में। और ये सब जो कल्पनाओं के चलते चलते जो हनीप्रीत की झूठ की दास्तां हैं वो इतनी बढ़ती चली गई, उसमें हनीप्रीत ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया, और विक्टिम कार्ड खेलते खेलते उसने वो नो रोने का ड्रामा जो आज तक चैनल पे देखा होगा गिरफ्तार होने से पहले आया, और दूसरी तरफ उसकी इतनी पावर थी कि उसके घर में पुलिस चेकिंग करने के लिए नहीं आई, उसके घर की तलाशी नहीं होने दी, वो इतनी जगह फरार नहीं रही, वो आराम से ऐश परस्ती से घूमती रही। जब उसका दिल किया तब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, या कह लो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारा पैटर्न चलता रहा, आज भी ये पैटर्न कुछ इसी तरह से ही चल रहा है। अब क्या है, अब शाही परिवार को अभी हमारे तो कोई सुनता ही नहीं, ना पिताजी सुनते हैं, संगत तो हमारी वैसे नहीं कोई हमारे साथ खड़ता, ना मैनेजमेंट खड़ती है, ना सेवा समिति खड़ती है, अभी हम तो चलें। और हनीप्रीत को अभी बढ़िया जाए, जो बचा कुचा सामान है वो भी हाईजेक कर लेते हैं। अब क्या है, उनका जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, जैसे भी छोटे बहुत जो एसेट है उनकी अपनी, अब उस एसेट को वो बेचना चाहते हैं, तो राकेश दिड़बा और रिंकू दिड़बा दोनों भाई जो हैं वो बिकने नहीं देते, क्योंकि इनके जो गुंडे हैं वो जाके खरीदार को धमका देते हैं, भैया खरीदा तो हिसाब लगा लेना, तुम्हारा बिकने नहीं देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। अब जिसने करोड़ों रुपया लगा के वो सामान खरीदना है, वो बेचारा पैसे लगाए तो लगाए कैसे, जब क्यों बिना मतलब की दुश्मनी पाले, व्यापारी आदमी कोई हरे गुंडा थोड़े ही होता है, सारे हनीप्रीत जैसे थोड़े ही होते हैं। तो कुछ इस तरह का है। अब आज की स्टेज में आपको दिखाई दे जाए तो हनीप्रीत का बैकग्राउंड यह है वो आपको हमने बताया, हनीप्रीत क्या है ये भी बताया, लेकिन आज हनीप्रीत का प्रैक्टिकल स्टेटस क्या है वो आपको आखिरी में जानने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल स्टेटस ये है, अभी हनीप्रीत को 2015 में पिताजी ने साध्वी बनाया, मतलब सतब्रह्मचारी सेवादार भी बनाया और गुरु ब्रह्मचारी सेवादार भी बनाया, दोनों सेवादारों का एक साथ सेवादारों की मीटिंग में सबके सामने प्रसाद दिया था। उस टाइम पे नौटंकी शुरू की इसने, जगजीत ने भी, हनीप्रीत सतब्रह्मचारियों वाले कपड़े नहीं पहनेगी, वो अलग कपड़े पहनेगी। अब क्या सतब्रह्मचारी और गुरु ब्रह्मचारी का मतलब क्या है, सतब्रह्मचारी और गुरु ब्रह्मचारी का मतलब है कि एक तरह की साध्वी। साध्वी क्या है, भी उन्होंने अपना शरीर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अपना शरीर साधना है, भक्ति से सेवा से, और अपना जीवन समाज सेवा में लगाना है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि ये चीज़ें यंगस्टर्स को समझ नहीं आती, वो क्या सोचते हैं, खास तौर पे लड़कियों में, लड़कों में भी था है काफ़ी हद तक, उनको शादी नहीं करानी, उनको सतब्रह्मचारी बनना एक प्रिविलेज दिखता है, कैसे भी हम पढ़े लिखे हैं हमें तो बैठे बिठाए राजगद्दी मिल जाएगी, घर में कुत्ता जात नहीं पूछता, यहाँ आके सास संगत पे चौधरी बन जाएंगे, उसके बाद खुला खाने को मिलेगा, खुला लग्जरी रहने को, जहाजों में घूमने को मिलेगा, ऐसा ब्रह्मचारी तो हर कोई बने, ब्रांडेड चीज़ें मिलेंगी। तो ये प्रिविलेज दिखने लगा लोगों को सतब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी का, पहले सतब्रह्मचारी सारी, खासतौर पर गुरु ब्रह्मचारी जब आए उनको ये प्रिविलेज दिखा, तो बहुत सारी लड़कियों ने और बहुत सारे लड़कों ने इसलिए भी ब्रह्मचारी बनना कि उनको शादी नहीं करानी है, लेकिन उसमें भक्ति वाला एंगल उतना नहीं था जितना जो एक्चुअल में होना चाहिए। और इसी ट्रैक पे हनीप्रीत भी चली, जब साध्वी बनने का निर्णय किया तो उस निर्णय में अगर रंगीन कपड़े पहनने की चाहत थी, टीवी देखने की, आईफोन रखने की चाहत थी, स्मार्ट वॉच पहनने की, डिजाइनर कपड़े पहनने की चाहत थी, तो सतब्रह्मचारी का तो सिर्फ एक लेबल था, ठप्पा था। फिर भी
हजूर बिदाई ने हनीप्रीत को सात संगत का जिम्मेवार नहीं बनाया। 7, 15, 25, 45 सेवा समिति और एडम ब्लॉक में हनीप्रीत को किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि ये पूरा गैंग था और इस गैंग का फेस हनीप्रीत थी, इसलिए वो बिना कहे अघोषित डेरे की सब कुछ सर्वसर्वा थी। ये एक तरह का सेटअप था। उस सेटअप में हनीप्रीत हाईजैक तो करके बैठी थी और हमने शूटिंग के दरमियान देखा भी है, हनीप्रीत के अंदर विपासना चावला को लेके कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। तू तड़ा करके वो सीधा बुलाती थी और बहुत कई बार गुस्से में गालियां तक दे देती थी शूटिंग में विपासना औरों को आम ही। और विपासना चावला हनीप्रीत के सामने एक चपड़ासी की तरह बिहेव करती थी। ये हमने एक बार मेरी मीटिंग चल रही थी एडम ब्लॉक में, तो अचानक से उधर से कॉल आता है हनीप्रीत का विपासना के पास, एक स्टूल चाहिए। भी स्टूल क्या होता है, बेंच। भी एक स्टूल चाहिए, अभी शूटिंग साइट पे यहाँ लेके पहुँचो। अब हनी मतलब विपासना का इतना बुरा हाल था कि वो खुद स्टूल लेके जा रही है अपनी गाड़ी में रख के। वहाँ पे एक सेवादार खड़ा, उसने बोल दिया कि बहन जी आप चेयरमैन हो, आपके पास मीटिंग के लिए लोग बैठे हैं, ये स्टूल हमें दो, हम छोड़ आते हैं। बोला नहीं, ये मैं ही छोड़ के आऊँगी। मतलब वो जो चीज़ हमने देखी विपासना के साथ भी, जिस तरह से उसके साथ व्यवहार होता था, वो सारी चीज़ें थी। अब 25 अगस्त 2017 का टाइम भी आया, उससे पहले सात संगत ने ही ड्यूटी लगाई, चलो पिताजी का के दवाई का और पिताजी के खाने पीने का ध्यान रखना है। दूसरा पिताजी ने उसको क्या किया, उसका सतब्रह्मचारी बहनों का और गुरुब्रह्मचारी बहनों का हॉस्टल का वार्डन बनाया, जिम्मेवार बनाया। अभी कोई समस्या इनको हो यहाँ रहने में, उसकी देख रेख हनीप्रीत करेगी। सिर्फ यही जिम्मेवारी दी थी। 25 अगस्त 2017 के बाद पहले तो वो जेल की यात्रा काट आई। जेल के बाद आने के बाद वो ना तो तेरावास में रही, ना उसे उसने सतब्रह्मचारी का जीवन जीना शुरू किया, ना गुरु ब्रह्मचारी का। अभी क्या है, उसका जीवन शैली कैसी है, उसकी जीवन शैली ऐसी है कि उसे जब आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है तो अमेरिका की संगत को फ़ोन किया जाता है, इस कलर का स्पेसिफिक आईफोन चाहिए, चाहे कितना भी महंगा मिले लेके भेजो। और वो फ़ोन किसी और के पास होना नहीं चाहिए, और सबसे पहला फ़ोन बहन जी के लिए ही आना चाहिए। इस लेवल का तो स्टारडम है। सेकंड क्या हो जी, अब कपड़े कहाँ से खरीदे जाते हैं, जिनको नहीं जानकारी है गूगल सभी चलाते हैं, हम जैसे लोगों ने तो, आप जैसे लोगों ने सुना ही नहीं होगा, ऐसे ऐसे ब्रांड भी होते हैं। तो क्या है, दिल्ली में आप जाएंगे, दिल्ली में वसंत कुंज के इलाके में DLF एम्पोरियो नाम का एक मॉल है, DLF एम्पोरियो, यहाँ से इन महारानी की शॉपिंग होती है। अब ये पैसा कहाँ से आता है, एक लोअर मिडिल क्लास जिसका भाई चेन स्मोकर था, जिसकी माँ बाप धंधा कौन से धंधे करते थे वो आपको बताया ही है, वो अचानक से करोड़पति अरबपति बन गए। और DLF एम्पोरियो में अगर आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि DLF एम्पोरियो में अगर आपको अंडरवियर बनियान भी खरीदना है, वो भी कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का आता है, 10 से 15 हज़ार रुपये का तो कच्चा बनियान आता है वहाँ पर। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि पेंट शर्ट कितने का आता होगा और ड्रेसें कितने की आते हैं। तो अब DLF एम्पोरियो से शॉपिंग हो रही है, और उस शॉपिंग में अगर आप जाएंगे तो आम तौर पे जो कपड़े आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं ना, वो उसी मॉल से खरीदे होते हैं, और उसमें अमूमन सस्ते से सस्ता कपड़ा भी अगर सेल में भी खरीदोगे तो 90,000 प्लस टैक्स, इस लेवल का कपड़ा हनीप्रीत पहनती है खरीद के। और वो पैसा गरीब सात संगत की जेब में से आता है और कहीं से नहीं आता। उसका बाप दादा छोड़ के नहीं गया यहाँ पे संपत्ति, जो रामानंद सागर है नहीं उसके पास, वो तो वैसे ही 25 अगस्त जब वो हनीप्रीत जेल में थी, हमने हनीप्रीत के बाप रामानंद सागर को ढाबों के ऊपर परौंठे बनाते देखा है। ये हालत थी उसकी परौंठे सेकते हुए की, तब उसका गुजारा चलता था। और मतलब ये हालत थी, और आज DLF एम्पोरियो से 90,000 की तो सेल में ड्रेस आती है, तो वो कौन सा सेल में खरीदती होगी, वो तो फ्रेश पीस खरीदती होगी, करीब करीब 1.25 लाख 1.5 लाख से जो शुरू होता है। और ब्रांड कैसे कैसे हैं, बर्बेरी नाम का कोई ब्रांड है, बर्बरी है, डायोर है, जहाँ के पर्स आते हैं, ऐसे ऐसे परफ्यूम हैं। अभी क्या किसी ने इंस्टाग्राम पर सवाल पूछ लिया कि बहन जी आपकी खूबसूरती का राज क्या है, मोहतरमा जवाब देती है मेडिटेशन। मेडिटेशन था ना खूबसूरती का राज, तो जब जेल में गई थी तो उसकी फ़ोटो देख लेते कितनी को खूबसूरती थी। हालांकि उसकी खूबसूरती जिसको दिखाओगे तो आम तौर पे किसी लोअर मिडिल क्लास का भी टेस्ट उसकी खूबसूरती जैसा नहीं होता, फिर भी चलो उसको अपने आप को खूबसूरत समझना आया तो भ्रम है, समझ लेने दो। अब क्या है, वो खूबसूरती जेल वाली फ़ोटो देखी है ना आपने, कहाँ गई थी वो खूबसूरती, और वो खूबसूरती तब मेडिटेशन काम नहीं करता था,
अच्छा आज मेडिटेशन वाला नूर नहीं है, ये नूर कहाँ से आता है ये भी आपको बताते हैं। हाँ मैं तो क्या हूँ, तो आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा आपने सुना होगा फेयर एंड लवली क्रीम सुनी होगी, थोड़ी थोड़ी उससे महंगी सुन ली होगी, कोई लैक्मी की सुन ली होगी जो टीवी में ऐड आती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनकी ऐड ही नहीं आती, उनकी क्रीमें 10 से 15 हज़ार रुपये में शुरू होती हैं। 15 हज़ार रुपये में पता कितनी क्रीम आती है, ये इतनी साइज की क्रीम आएगी, आपको एक पेन ड्राइव दिखाता हूँ मैं, लगभग इतनी साइज की, इतनी साइज की क्रीम आती है, मुश्किल से 7 से 8 ग्राम इतनी क्रीम आती है 15 हज़ार रुपये में। और ये कौन यूज़ करता है, ये फिल्मी हीरोइनें यूज़ करती हैं, क्योंकि एक बार इस क्रीम को जब लगा लोगे तो आपको पसीना आए कुछ आए तो 2-3 दिन तक, ये कह लो 2-3 दिन तक आपके चेहरे से वो ग्लो ख़त्म नहीं होता। ये क्रीम कोई बड़े मतलब स्पेसिफिक जानवरों की चर्बी की सीरम से बनी होती हैं, उनके सीरम से कोई खास तरह का प्रोटीन होता है इसमें, खास तरह के जानवर होते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं उनके उसमें बनती है, तो इस लेवल का स्टारडम है। उसके बाद जब आप DLF एम्पोरियम में जाओगे ना, वहाँ पे सस्ती से सस्ती गाड़ी खरीदारों की, मतलब जो ग्राहक वहाँ जाते हैं उनकी सस्ती से सस्ती गाड़ी भी 1 करोड़ की मिलेगी। वहाँ पे मारुति होंडा सिटी फॉर्चुनर वाले लोग तो जाते ही नहीं हैं, वहाँ पे जाते ही ये लोग हैं जिनके पास कम से कम 1 करोड़ की गाड़ी हो। इस लेवल का स्टार्टअप है। और ये पैसा कहाँ से आता है, ये पैसा सात संगत से लूटा जाता है। लूटता कौन है, राकेश जैसे, गुरलीन जैसे, रिंकू जैसे, CP अरोड़ा जैसे, ये प्लानिंग बनाते हैं पिताजी के नाम पे झूठ बोल बोल के। अब उस लेवल का स्टार्टअप एक तरफ हनीप्रीत का है और दूसरी तरफ आप बैलेंस करिए शाही परिवार, उनको लगता है भी सारा स्टार्टअप तो हमारा था, ये सारा पैसा तो हमारे पास होना चाहिए, ये सारा पैसा तो क्या है भी हनीप्रीत लूट ले जा रही है, बिजनेस बिना मतलब हमारा छीन लिया। तो ये जो जेलसी फैक्टर है, ये जो चीज़ें हैं, अब वो हनीप्रीत क्या जो पूरा गैंग है ये सुना रहा है, समझा रहा है। और अब क्या मान लो आज हमने बोल दिया, जैसे आपको ध्यान हो कि एक बार हमने पोस्ट डाला था उसके बारे में, जो खट्टा सिंह की भांजी थी शमिंदर कौर के बारे में, तब शमिंदर कौर को पहले तो किडनैप करके नोएडा में रखा हुआ था, कहीं कोर्ट में गवाही ना दे आए खट्टा सिंह के खिलाफ। बाद में क्या हुआ, उसको जब हमने फेसबुक पर लिखा तो उसको उठा के सिरसा ले आए, अब भी उसको मतलब बंदी रखते हैं। उसके बाद याद हो इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल थी पूनम अरोड़ा, उसको निकाल दिया जब स्कूल से, तब ने उसका मुद्दा उठाया, फिर उसको वापस ज्वाइन करा दिया, फिर धीरे धीरे करके अब उसको फिर से निकाल दिया है। फिर अब क्या है, अब मान लो आज हमने शाही परिवार के बारे में सारी बातें बोल दी, अब शाही परिवार क्या है, अब आप जो से ढकोसले कर रहे हैं और जितने भी ये चापलूस हनीप्रीत के लगे हुए हैं कमेंट्स में, अब इनको क्या है, पिताजी के माता जी को कोई डेरे से निकाल रहा है, इनको कोई मतलब नहीं, इनको पता है भैया हनीप्रीत ने या तो पैसा फेंक देना या फिर उसकी माँ ने ग्राहक फेंक देना है, दोनों में से एक काम तो होना ही होना है। तो ये चल रहा है धंधा, अब हनीप्रीत का पूरा गैंग झूठ परोसता। हो सकता है बोलेंगे शाही परिवार को भी ठीक है थोड़े दिन के लिए रोक लो, अचानक से भी क्या होएगा, अचानक से क्या होगा, भी पिताजी का मैसेज आया है, भी हुक्म आया जी शाही परिवार को रोक लो, अभी ये ड्रामा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो जाए। हाँ क्योंकि ये लाइव तो पिताजी को देख रहे होंगे बैठ के जेल में, अचानक से पिताजी का कौन सा हुक्म पिताजी से आना है, खुद ही तो बनाना है। अब मान लो हनीप्रीत को जरूरत पड़ गई हुक्म बनाना है, वकील एडम ब्लॉक चतरा और सरवारा, ये चार बंदे मिलेंगे, इन्होंने बोलना है हाँ जी पिताजी ने हमें बोला है और ये हुक्म आया और ये हुक्म आपके लिए आया, तो शाही परिवार थोड़ा दिन इंतज़ार करे, ड्रामा ही तो करना है, परिवार ने कौन सा आमने सामने की बात करनी है। अब ये सारा ड्रामा चल रहा है और चल रहा है, अब इसमें कौन कितना शिकार हो रहा है आपके सामने है, ये सब तो चल रहा है जो शाही परिवार और हनीप्रीत का आपसी लड़ाई है, जिसमें पिताजी के हक में दोनों ही कार्रवाई नहीं करना चाहते, ना शाही परिवार ना हनीप्रीत, ये बिजनेस की लूट है। अब दूसरा ट्रैक जो समझिए अभी, वो ट्रैक ये है कि अब डेरा को बेचने के चले, अभी नया ट्रैक शुरू हुआ है, उसमें क्या है भी हजूर पिताजी इस ट्रस्ट के मालिक हैं और हजूर पिताजी के बिना इस ट्रस्ट की जमीन ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, कुछ नहीं हो सकता, ना ही इस जमीन को किराए पे दिया जा सकता है, तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ना ये जमीन खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है ना ही किराए पे दी जा सकती है लीज पे, ना ही इसको गिरवी रखा जा सकता है। अब एडम ब्लॉक ने एक नया पैटर्न चलाया और इनके पैटर्न का जो सरगना है मौके पे, जो फ्रंट मैन जिसे कह दें, वो है गुरलीन।
अब क्या है कि एडम ब्लॉक ने एक पैटर्न चलाया, अभी डेरे को एक नंबर में पैसा चाहिए, और ये पैसा कितना चाहिए, ये पैसा सैकड़ों करोड़ में चाहिए, एक नंबर में सैकड़ों करोड़ में। और सात संगत के खास खास लोगों के पास अब इन्होंने गुरलीन ने जाना शुरू किया है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया गुरलीन की ड्यूटी लगाई गई है, अभी परमार्थ सिर्फ गुरलीन इकट्ठा करेगा, वो परमार्थ नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, गुरलीन जगह जगह कटोरा लेके घूम रहा है ये ड्रामा करते हुए, डेरा को एक नंबर में पैसा चाहिए और उस पैसे के बदले डेरा एक एग्रीमेंट करेगा एक तरह से। अब इस एग्रीमेंट को जो पैसा, और ये पैसा इतना नहीं है, भी एक एक आदमी से लखविंदर इंसान को थोड़ा पैसा ज़्यादा मिला हुआ है, क्योंकि ये एक तरफ बोल रहे हैं हम निंदा कर रहे हैं और एक तरफ ये खुद ही सुन रहे हैं, और ये थोड़ा मेरे को लगता है आशा तनेजा के कस्टमर हैं, तो इनकी इतना ध्यान ना दें। चलिए हम वापस वहीं आते हैं। अब क्या है कि वो पैसा एक एक सत्संगी से 20, 25, 30, 40 लाख रुपया मांगा जा रहा है कि आप हमें उधार दे दो ये पैसा, एक नंबर में एग्रीमेंट होगा। जबकि आपको ये बता दें कि इस तरह का एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ कानूनी तौर पे डेरे की प्रॉपर्टी को लेके पिताजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब क्योंकि इनको पता है कि डेरे की प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, तो ये तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, फर्जी एग्रीमेंट के जरिए डेरे की जमीनों को गिरवी रखने का प्लान कर रहे हैं, डेरे की प्रॉपर्टियों को गिरवी रखकर संगत से मोटी अमाउंट में पैसा बटोर रहे हैं। और जब पैसा लौटाने की बात आएगी तो वो सारा पैसा, क्योंकि इनको लौटाना तो है ही नहीं, ये कौन सा लीगली बाउंड होंगे, उस सब का बोझ आ जाएगा डेरे पे, और सरकार नीलाम करेगी फिर डेरे की प्रॉपर्टी, क्योंकि डेरे की मैनेजमेंट इस चीज़ को करेगी। तो इसलिए अब डेरे की प्रॉपर्टी बेच के तो ये पैसा खा नहीं सकती है हनीप्रीत, तो अब गुरलीन को लगाया गया है कि डेरे की जमीनों के नाम पे लीज एग्रीमेंट कर दिए जाएं, या गिरवी रख के संगत से लोन उठा लिया जाए, जबकि कानूनी तौर पे वो लोन सिर्फ और सिर्फ पिताजी ही उठा सकते हैं, संस्था नहीं उठा सकती, ये पावर उनको कानून ट्रस्ट डीड में नहीं दी गई है। अब वो पैसा आपसे ले तो लिया जाएगा, लेकिन आप उधार दे तो देंगे, लेकिन वो पैसा आपको वापस मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस तरह से बहुत लोगों से पैसा पहले भी खाया गया है और उन लोगों ने उसके बाद डेरे में आना छोड़ दिया है। अब ये पैसा आपसे खाया जाएगा, तो इसके लिए आप सावधान रहें और आगे लोगों को करते रहें। दूसरा स्टेप क्या है, भी आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फार्म भरवाया जा रहा है, एफिडेविट भरवाया जा रहा है, ये सब मसला क्या है? तो अभी क्या है, हमने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से कार्रवाई शुरू करी है। वो कार्रवाई है कि पंचकुला दंगे के ऊपर एक कमीशन बैठना चाहिए, और इस कमीशन की मांग करनी शुरू की है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की तरफ से, और उसमें ये जानकारी सरकार को प्रोवाइड कराई जाएगी कि 2017 में, 25 अगस्त 2017 में कौन से ब्लॉक का कौन भंगीदास था, कौन सा मेन जिम्मेवार था, जो बड़े बड़े जो मतलब एक अघोषित जिम्मेवार होता है मेन, एक जो राकेश दिड़वा गैंग और रिंकू दिड़वा गैंग का जो जिम्मेवार था, हनीप्रीत गैंग का, उस गैंग के जिम्मेवार का नाम और भंगीदास का नाम, दोनों के नाम हर ब्लॉक से, ये सारे नाम लिस्ट बना के हम कानूनी तौर पे कोर्ट के रिकॉर्ड पे और सरकार के रिकॉर्ड पे प्रोवाइड कराएंगे भी इन लोगों ने मजबूर करके सात संगत को पंचकुला दंगे में भेजा और वहां पे दंगा करवाया, जबरदस्ती भेजा, जबकि हजूर पिताजी का कोई ऑर्डर नहीं था, इन्होंने झूठा आदेश दिया था जिसकी वजह से दंगा हुआ, और इन सब के ऊपर पंचकुला दंगे की कार्रवाई चलाई जाए। अब क्योंकि बंगीदासों से हमने कुछ लोगों से संपर्क किया है, उनका ये कहना है भी हमें तो 45 मेंबरों ने कहा था, तो इसलिए बंगीदासों का स्टेटमेंट जो 45 मेंबरों के खिलाफ आएगा तो वो 45 मेंबरों के खिलाफ लगा दिया जाएगा, और अगर 45 मेंबरों के खिलाफ नहीं आएगा तो वो बंगीदासों के नाम से वो सारे पर्चे दर्ज कराए जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि पंजाब में सरकार बदल गई है और एंटी करप्शन ब्यूरो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के अंडर चलेगा, तो जितने भी 2007 से लेके 2017 तक पंजाब में केस चले हैं, चाहे वो बरगाड़ी है, चाहे वो पोशाक मामला है, चाहे वो डेरा सिख दंगों का है, उस सब के केसों को एप्लीकेशन लगा के रीओपन कराया जाएगा। सात संगत मिलके ये सारा काम पंजाब में करेगी, और कैसे कैसे पुलिस ने किस किस केस में झोल किया है वो सब रखा जाएगा, और पंजाब के तमाम 45 मेंबरों के जितने के प्रॉपर्टियों के कागज हमारे पास आया, उन सब के फ्रॉड की डिटेल पंजाब सरकार के रिकॉर्ड पे अब चढ़ाई जाएगी। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारा काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अब डेरा को ये
पूर्णतः तौर पे ख़त्म करने के प्लान पे काम कर रहे हैं। और ये बताया जाएगा भी राकेश जुड़वा एक्चुअल में हनीप्रीत का पीए है और प्रगाढ़ी कांड में हनीप्रीत का भी शामिल होना शामिल उसमें जरूर ये होगी, क्योंकि पंचकुला दंगा भी राकेश जुड़वा और हनीप्रीत ने मिलकर प्लान किया, तो प्रगाढ़ी कांड भी इन्होंने मिलकर प्लान किया होगा। पिताजी का पीए राकेश जुड़वा नहीं था, जबकि महेंद्र पाल बिट्टू के बयान में राकेश जुड़वा का नाम था, लेकिन करप्शन करके एसआईटी ने वो नाम निकाल दिया। तो ये सारा प्रोसेस अब लॉन्ग टर्म मतलब पूरा पेपर वर्क के तौर पे किया जाएगा। इसलिए जितने भी 45 नंबर आपके इलाके में जितने भी भंगीदास जिन्होंने 45 नंबरों को आपके ब्लॉकों में बुलाया और आपको बोला भी पंचकूला जाना है, उनका फ़ोन, उनका नाम, पिता का नाम, फ़ोन नंबर, सब ये सब आप जितने जल्दी हो आप हमें प्रोवाइड कराएं। हमने ऊपर गवर्नमेंट के तौर पे ये कार्रवाई शुरू कर दी है कि पंचकुला दंगे पे कमीशन बैठना चाहिए। इसके अलावा अब हम पूरी कोशिश करेंगे जो कंसर्न्ड कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है उसके रिकॉर्ड पे भी एफिडेविट दिए जाएं और बयान दिए जाएं, क्योंकि खट्टा सिंह हाई कोर्ट ने एक रूलिंग एस्टैब्लिश की है भी अगर कोई गवाह होस्टाइल भी हो जाए तो भी 7 साल बाद वो मुकदमे में गवाही होस्टाइल होने के बाद भी दे सकता है। तो हम तो अभी होस्टाइल हुए नहीं हैं, उसी केस को आधार बना के हम पंचकुला कोर्ट में और हाई कोर्ट में पंचकुला दंगे से संबंधित अपने बयान दर्ज कराएगी सात संगत और खुले तौर पे कराएगी और इन तमाम लोगों के नाम एडम ब्लॉक से लेके 45 मेंबर और भंगीदासों के देगी कि जिन्होंने सात संगत को पंचकुला भेजने पे मजबूर किया और जो जो झूठे वादे दिए। तो इस सब के लिए आपसे छोटी छोटी मीटिंगें की जाएंगी जगह जगह। आज भी हमारी मीटिंग हुई है, मोड़ मंडी में हुई है मीटिंग, तो ऐसे अलग अलग जगहों पे मीटिंग होगी, जहां भी आप मीटिंग रखना चाहेंगे आपको बताया जाएगा। क्योंकि अब ये पूर्णतः तौर पे शाही परिवार और हनीप्रीत की लड़ाई में ये पिताजी को शिकार बना रहे हैं और कोई भी सब पैसा लूटने की रेस है और उस रेस में सभी पैसा लूटना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा डेरा वापस चाहिए। और इन दोनों शाही परिवार अपने घरों में, क्योंकि उनका तो वैसे भी डेरे में इंटरफेरेंस नहीं है, और हनीप्रीत का इंटरफेरेंस हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राकेश रिंकू जितने भी बंदे हैं इन सबको जूते मार के हम डेरा से अब निकालने का प्लान पूरी तौर पे तैयार करेंगे भी, इनको अब पंजाब की जेलों में होना चाहिए और पंचकुला दंगों में इनकी जमानतें रद्द होनी चाहिए। इस सबकी मांग हम हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जरिए करेंगे। अब ये सारी चीज़ें शुरुआत से होंगी जैसे प्रॉपर प्लान के तौर पे, और इसको लेके आपके पास फेथ वर्सेस वडिट से अलग अलग जगहों पे लोग आएंगे, आपको कांटेक्ट किया जाएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप सबके बने हुए हैं तो आपके इलाके में लोग आएंगे और हर जगह से ये सारी चीज़ें होंगी। और ये सारी चीज़ें मीडिया के रिकॉर्ड पे भी आएंगी धीरे धीरे, और 25 अगस्त के बाद जितने भी गलत काम हुए हैं उन सभी गलत कामों का ब्यौरा भी पंजाब में जो पैसा लूटा गया वो पंजाब सरकार के रिकॉर्ड पे आएगा, जो हरियाणा में लूटा गया है वो हरियाणा सरकार के रिकॉर्ड पे आएगा। और खुले तौर पे हनीप्रीत का और राकेश और रिंकू इन तीन लोगों का खास तौर पे और इनका चौथा साथी है सीपी अरोड़ा, खुले तौर पे विरोध किया जाएगा। जहां भी ये डेरा में दिखाई देंगे वहां भी विरोध किया जाएगा। अगर इनका कोई भी इंटरफेरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सात संगत में दिखेगा तो उसका खुले तौर पे दरबार के अंदर भी विरोध किया जाएगा, दरबार के बाहर भी। तो ये ओपन तौर पे हमने डिसाइड किया है, और चाहे उसमें इनके साथ मारपीट हो चाहे कुछ हो, क्योंकि इन्होंने मतलब ये कह लो भी जानलेवा हमले फेथ वर्सेस वडिट की टीम पे करने शुरू कर दिए हैं, और उसमें सिरसा पुलिस और सिरसा प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है खुले तौर पे, ओपन कैमरा पे हम बोलते हैं, डीसी सिरसा, एसपी सिरसा सब मिले हुए हैं। तो अब ये लड़ाई सड़क पे सरेआम लड़ी जाएगी, अब जिसने मरना हो मारना हो बता देना, क्योंकि हम अब सिरसा प्रशासन को कोई शिकायत नहीं करेंगे, जौन सा रास्ते में अड़ेगा सामने से लड़ेंगे, चाहे जिसको जितनी तैयारी करनी है कर लो। अब ये कानूनी तौर पे भी चलेगा, हर जगह चलेगा, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से रखें। और फिर बीच में कोई मत बोलना अभी अब हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों करी, क्योंकि जिस लेवल की लूट अब शुरू की है और जितना भी ये एफिडेविट का मसला चल रहा है, जो भी भंगीदास ये एफिडेविट ले रहा है उन सब का रिकॉर्ड धीरे धीरे बनाया जा रहा है, और आगे कोई भी वारदात होती है तो एडवांस में सरकार को रिटर्न में दिया जाएगा जितने भी ईडी के घपले हैं। और हमें ये भी पता चला है भी ईडी ने जो टीम अपॉइंट की है ग्रीनेस के घपले को करने के लिए, उस ईडी की टीम से भी इन्होंने रिश्वत देके सेटिंग करी है, क्योंकि वो एक प्राइवेट फर्म है जिसको ईडी ने अपॉइंट किया था इनके ऑडिट के लिए,
उसकी जानकारी भी हमें मिल गई है, और कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास आए हैं जो फर्जी तौर पे ग्रीनेस की पर्चियां तैयार करके उस फ्रॉड को छुपाया जा रहा है, वो भी अब हम फोटोग्राफ्स भी हम सबूत के तौर पे ईडी के रिकॉर्ड पे देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पुख्ता रहें, सब चीज़ों की तैयारी कर लें, और किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेज का जिम्मेवार हो, चाहे वो बंगीदास हो, चाहे वो 45 मेंबर हो, चाहे वो जिला स्तर का हो। जिसको लगता है वो इसमें शामिल नहीं है, वो अपना बयान लेके एडवांस में आ जाना। जब ये केस रीओपन होगा, जब इसमें कमीशन बिठाने में हम कामयाब हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर मत कहना कि आपके खिलाफ ये गवाही का कागज हमने क्यों दिया। अगर आप नहीं शामिल होना चाहते तो बंगीदास हैं, और 2017 में बंगीदास थे, आप 45 मेंबर थे, तो आप सबके खिलाफ ये कार्रवाई खुले तौर पे आएगी, चाहे वो यूथ वीरांगना की थी, चाहे वो यूथ वेलफेयर फेडरेशन थे, चाहे वो 45 मेंबर बड़ी उम्र वाले हैं, चाहे छोटी उम्र वाले हैं, सबके खिलाफ ये कार्रवाई चलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, और ये आप पुख्ता रहें, जो एफिडेविट चल रहे हैं और ये सब जो फॉर्म भराए जा रहे हैं, कोशिश करें ना भरें, साथ संगत जिनको है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप पहुँचाएँ, और इन सब झगड़ों से बाहर निकलें, इनकी आपसी झगड़े हैं जिनको लेके सारे ड्रामे चल रहे हैं। और बाकी जो भी चीज़ें आपको है वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम बताते चलेंगे। फिलहाल हमारा जो नाम चर्चा है, कल हमारी नाम चर्चा रहेगी 8 बजे, जो साप्ताहिक नाम चर्चा होती है वो 8 बजे रहेगी जी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि पिताजी हमारी बात पहुँचेगी, पिताजी साध संगत की अरदास सुनेंगे, और इस अरदास को सुन के हमारे बीच हमारी गलतियों को माफ़ करके वापस आएंगे। तो इस उद्देश्य के साथ, इस प्रार्थना के साथ, आप सबने हजूर पिताजी के चरणों में अरदास करते हुए नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिरी में अरदास लगानी है, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है ये तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।